पीयूष नहीं दिख रहा तो हमने अपनी हाइट मैच करने के लिए पीयूष के लिए एक जुगाड़ लाया है. लेट्स सी, यू देख, अब तू इस पे खड़ा हो सकता है. मैं भी हो जाऊं क्या? सौरभ व्यव की जरूरत है. नीचे ऊपर ऊपर नीचे. और आज हम पता है कौन सा चैलेंज करने वाले हैं? हम करने वाले हैं मिस्टर ड्रिंक चैलेंज. मतलब आज मिस्टर ड्रिंक चैलेंज होने वाला है. इसके अंदर दो ड्रिंक्स होने वाली है और हमें स्ट्रॉज मिलने वाली है. और उसके अंदर कोई भी ड्रिंक हो सकती है. सोया सॉस, विनेगर, मतलब ऐसी खतरनाक खतरनाक ड्रिंक होने वाली है. ये अंधा कानून है. हमने पहले कभी नहीं किया कभी भी. इनका व्लॉग चैनल है, जरूर चेकआउट करना. मैंने पूरे 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 मतलब लॉकडाउन में इनको देखा है. और अब ये पहली बार ऐसा चैलेंज करने वाले हैं. और कितनी एक्साइटमेंट है पीयूष? बहुत ज्यादा. मतलब थोड़ा डर भी लग रहा है, नर्वसनेस भी है, क्योंकि जोलो चिप. क्योंकि जो हारने वाला है वो जोलो चिप खाने वाला है. तूने खाई जोलो चिप? कैसे लगती है? थोड़ी थोड़ी सी. डेंजर? नोप. नहीं, डेंजर नहीं. तो हम स्टार्ट करने वाले अपना फर्स्ट राउंड. और फर्स्ट राउंड में हमारे पास क्या होने वाला है? देखो, हमारे पास होने वाला डाइस. और ये खेलेंगे हम में से दो जाने. मतलब पहले हम तीन हैं और हम डाइस उछालेंगे. जिसका सबसे लोएस्ट होगा वो पहले ही आउट हो जाएगा. और उसके बाद दो बंदे खेलने वाले हैं. और जो फाइव राउंड के एंड में जो मतलब जिसको अच्छी ड्रिंक मिलेगी उसको पॉइंट मिलेगा. और पांच राउंड के एंड में जिसके हाईएस्ट पॉइंट होंगे वो बच जाएगा. जिसके सेकंड हाईएस्ट होंगे वो भी बच जाएगा. पर जो लास्ट होगा उसको ये अच्छी सी डेयर वाली खानी पड़ेगी जो मुझे. तो पीयूष जीतने का एक्साइटमेंट है? नहीं. खेलने का है. खेलने का एक्साइटमेंट है. मेरे को तो खेलने का एक्साइटमेंट है. तेरे को कौन सा एक्साइटमेंट है? इसको डाई उछालने का एक्साइटमेंट है. नहीं, मेरे को किसी को जोलो चिप खाते देखने के. और अगर ये हारा तो ये शीशे में देख के खाने वाला है अपने आप को. तो यहां से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट राउंड पे. लेट्स गो फैमिली. ओके, तो सबसे पहले सौरभ उछालने वाला है डाइस. और आई होप इसका कितना आना चाहिए. आपके सामने भाई मेरे को लगता है मैं ही आउट होने वाला हूँ इस राउंड में. चलो, थ्री टू वन गो. टू मैं सोचा था इनका सिक्स आना चाहिए. ओके, पीयूष का बान आ जाए बस. पीयूष आई एम सॉरी बट आप आउट हो गए हो. ओके, तो हमने अपनी स्ट्रॉज ले ली है और अब इसके अंदर रखी जाएंगे ड्रिंक्स और हम परखने वाले हैं. ओके, तो थ्री टू वन ऐसे घूम जाओ घूम जाओ घूम जाओ. और कौन सा लेना, लेफ्ट राइट डिसाइड करो. चलो, थ्री टू वन. ओके, इसके अंदर वो देखो आई नहीं रही उसके पास. तो ये तो बहुत अच्छा है. कोक है मेरे पास. विनेगर विनेगर क्या था ये? विनेगर था ये. सिरका सिरका अजीब सा था. ये बहुत अच्छा था यार. कोका कोला. मैं क्या कहेंगे, घर बुला के मेरे को विनेगर पिला रहा है. ओके, तो मैं जीतता हूँ. ये वाला मेरे को मिलता है 1 point. और इनका मतलब एकदम से मुंह बंद हो गया. मैंने जब तब तक मेरे मुंह में आई भी नहीं, तो मैंने कहा यार बढ़िया मैं बच गया. तो मेरे को मिलता है 1 point. सौरभ गेट 0. पीयूष तो खेलने का मौका नहीं मिला. पीयूष ऑल्सो गेट 0. चलते हैं हम अपने सेकंड राउंड की तरफ. लेट्स गो फैम. ऑलराइट, तो हम आ गए राउंड 2 को. राउंड 2 में क्या होने वाला है, हम कार्ड सेलेक्ट करने वाले हैं. यहाँ कार्ड्स पड़े हैं. जिसका कार्ड सबसे छोटा होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा. और एक का सबसे बड़ा होता है. मतलब मैं पहले बता दूं. अरे तू पत्ते खेलता है? सब पत्ते खेलने वाले हैं. तो लेट्स गो एंड चूज वन. ठीक है, करो. मेरा आया है बादशाह के. सौरभ का आया है दुखी. देखना नहीं किसी में डालेगा लेफ्ट या राइट. ये कैमरा मैन सेटिंग करने के उसमें फराक में है.
ओके तो मैं आया इधर पीयूषी पहले इकट्ठे इकट्ठे से लेकर 3 2 1 आ गया। ये क्या था? मेरा रुआस आया। बहुत बुरा था। किस्मत है तेरी तो पीयूष यार रोज़ा मेरा तेरी सेटिंग लगी है मेरे से। दस बार तो ले लिया उसको। बिहाइंड द कैमरा उसको बोल भी रहा था कि 100-200 बार तो ले लियो पर सेटिंग कर लियो। ओके। बहुत ही बुरा था। वो जैसे ही वो ऊपर नहीं आता वो थिक था तो वो जैसे वो मुंह में आया मेरा भी कुछ अंदर में लग गए मुझे भी लगा उसने तो इस राउंड के विनर है पीयूष पीयूष के हो गए 1 पॉइंट मेरे 1 सौरभ स्टिल ऑन 0 चलते हैं यहां से हम राउंड 3 पे लेट्स गो बैक पीयूष ने मेरा नया नाम रखा है क्या नाम रखा कुरकुरा इंसान ये अपने घर पे सबको बोलता है कि ये फुकरा इंसान नहीं कुरकुरा इंसान कुरकुरा इंसान 10 रुपए दे तुरत रे हैं 10 रुपए दे तुरत रे 10 रुपए दे तुरत रे ये ऐसे क्यों इसके पीछे क्या लॉजिक है जिसका हाईएस्ट आएगा वो हारेगा ठीक है समझ गया ये ऑपोजिट हो गया तो फिर से सौरभ टेक्स द फर्स्ट चांस 3 2 1 गो 4 कैसा लग रहा है 4 8 अच्छा लग रहा है ओके सेकंड में 3 2 1 गो हाईएस्ट वाले ने हारना इस बार क्या होता है मेरा पीयूष कह रहा मेरे धोखा धोखा पीयूष आप इस राउंड से फिर बाहर और नहीं आते चलो घूम जाते हैं अब हम घूम जाते हैं ये राउंड मेरा और सौरभ के बीच में लेट्स गो ओके तो इस बार मैं फिर से मौका देता हूँ सौरभ को पहले जाने के लिए और चूज करने के लिए और ये दिक्कत होने वाली है वो समझ ही नहीं पा रहे क्या है ये बहुत अच्छा है मीठा मीठा शरबत सौरभ को क्या मिला था रेड चिली उसका बुरा हाल हो रहा होगा 100% और पहले मैं वेट करता टेक्निकल डिफिकल्टीज हो गई अभी ओके तो फिर से मिल गया मेरे को एक और पॉइंट पहली बार ऐसा हो रहा है अगर मैं अपने चैलेंज राउंड में मैं जीत रहा हूँ मैं हमेशा हारता हूँ आज किस्मत बढ़िया है आज काम आ गया तो मेरे को मिल गया 2 पॉइंट्स और पीयूष के पास है 1 पॉइंट और सौरभ के स्टिल 0 पॉइंट्स मेरे को इन दोनों की चैटिंग है मैं बता तो रहा हूं जो लो चिप के बहुत पास आ रहा है सौरभ सीधा खिला दो ना तो चलते हैं आज अपने फोर्थ राउंड की तरफ लेट्स गो बैक ओके तो मैं जीत रहा था तो मेरे पास एक और स्ट्रॉन्ग बॉय आ गया मेरी टीम में और अब है राउंड 4 और ये बहुत कंपलसरी है सौरभ के लिए जीतना या अगर सौरभ नहीं जीता तो जोलो चिपके बहुत पास 100% वही निकाल लूंगा मैं आपको कहने की जरूरत नहीं तो अब राउंड पे क्या है अब है मूवलेस मतलब जो सबसे छोटा कार्ड उठाएगा वो जीतेगा हाँ और जो सबसे बड़ा होगा वो हारेगा तो लेट्स गो मेरा कार्ड उठाएगा गोल्ड उठाओ इक्का गोल्डी मेरे लिए लक्की साबित हुआ मेरे को मिला इक्का क्वीन और पीयूष हार गया सबसे छोटा वाला जीतेगा आप हारे हो मैं भूल गया ये तेज है इसको याद रहता सारी चीजें गोल्डी हम हार गए हम सोच रहे थे गोल्डी लक्की साबित हुआ बट सॉरी इक्को ने भी सबसे बड़ा पत्ता निकाला पान का और अब राउंड होने वाला है सौरभ और अब होगा बढ़िया राउंड तो और अगर पीयूष जीता तो सौरभ वैसे आउट और अगर सौरभ जीतता तो फिर भी वो गेम में रहेंगे तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं लेट्स गो बैक चलो लेट्स सी कौन जीतता कौन है पीयूष कौन सा लेने वाला है अरे यार मेरा ले
ठीक है शिफ्ट 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 चल चल पीयूष चल चल इकट्ठे इकट्ठे 3 2 1 गो I'll be very honest, ये इतना तेज है, ये इतना तेज है, इसने ड्रिंक टेस्ट नहीं करी थी जब तक सौरभ भी ना पीए और उसके वजह से देखा ओ जिंदगी जी क्या कर रहा हूं फ्रूटी फ्रूटी बहुत बहुत तेज है तो, तेरा भाई बेटे बहुत तेज तेरा भाई बेटे बहुत तेज जब बटर हाँ गलत थे तभी तो करके आए आपको अच्छा नहीं लगा तभी तो हुआ तो पीयूष हो गए 2 points मेरे हो गए 2 points सौरभ है 0 points और अब बारी है उसके किसकी पनिशमेंट की और पनिशमेंट क्या है पीयूष सौरभ भैया जोलोची खाने वाले हैं अब दिक्कत होने वाली है भाई अब तक तो उन्होंने गंदी गंदी चीजें पी है अब खाने की बारी है सेटअप करके मैं दूंगा अब तो मुझे पक्का विश्वास हो गया इनकी चैटिंग यार सौरभ देख ले यार सोच ले फिर समझ ले वैसे पनिशमेंट है बट ठीक है मेरे को पता है चीज बहुत बुरी है मेरे को तो नफरत है जोलो चिप्स से टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता था कि यहाँ आके मेरे साथ इतना बड़ा टॉर्चर किया जाएगा ये तो मैं नहीं आता यहाँ अच्छा हम माफी देते हैं तू छोटा सा टुकड़ा खा ले पूरी मत खा यार जाना आप जाना जाना इतना हालत ये पागल हो गया इतने में क्या हुआ बस 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 ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं और ले ना दादी उस दिन तो कह रहे थे कुछ नहीं है हवा है सारी खाओ ना तो खांसी तो आएगी लो और लो ये लो यार ये पी लो भाई और खा रहे अरे नहीं लगता वैसे इतना अरे यार तो सच में खा रहा है यार मुझे नहीं लगता अरे कहने की बात है थोड़ा बहुत दूध थोड़ा मिस होती है बस मैं भी शेयरिंग इसकी यार तुम कैसे खा रहे हो यार अरे नहीं लगता वो थोड़ा मिर्च मिर्च तो है मिर्च ही तो है भाई ये बंदा बड़ा मतलब मैं पूरा ही खा लेने वाला है इसे सच में पूरा ही खा लिया एक तरीके से इसको मिर्च लगी थोड़ी सी लगती है गले में होता हो तो मेरे को तो हवा लगता है बस ये खत्म टाटा बाय मैं गया मेरे को पनिशमेंट नहीं मिली थी फर्स्ट आया था फिर भी खाया तो बहुत बंदा जिगरे वाला यार और ये भी बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना सौरभ के लिए लाइक करना बनता है भाई बंदे ने कसम से पूरी की पूरी जोलो चिप खा ली और अभी भी मतलब मेरा रिएक्शन बहुत बुरा था मैं अपना रिएक्शन याद करूं तो मैं तो कांप गया था कसम से मेरे को ऐसा लगा था मौत को छुके टक से वापस वाली बात बट ये इसमें भी जिगरा है वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो मिलते हैं अगली वीडियो में फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय